हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की हत्या के बाद से लेबनानी प्रतिरोध तिलमिला उठा है। इसराइल की बड़ी चोट के बाद भी हिजबुल्ला लड़ाके इसराइल पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर लेबनानी प्रतिरोध ने इसराइली राजधानी तेल अबीब को दहलाने की कोशिश की। हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने मोसाद मुख्यालय को फादी 4 रॉकेट से निशाना बनाया। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने इसराइल के जमीनी अभियान के विरोध में मोसाद खुफिया एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाया। समूह ने बताया कि IDF की सैन्य खुफिया इकाई और मोसाद मुख्यालय हिजबुल्ला के इस हमले को रोकने से चूक गए। इसके अलावा इसराइल के गिलिलोट सैन्य अड्डे पर भी जबरदस्त हवाई हमलों की बौछार हुई। इसराइल में मैगन डेविड एडोम एम्बुलेंस सेवा के अनुसार रॉकेट की चपेट में आने के बाद एक सड़क बाधित हुई। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइल पर हिजबुल्ला के मिसाइल हमले के बाद तेल अबीब में सायरन बजे। तेल अबीब समेत कब्जे वाले फिलिस्तीन के पूरे मध्य क्षेत्र में अलार्म सायरन बजने से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। IDF ने कहा कि हिजबुल्ला की ओर से दागी गई एक मिसाइल सीधे मध्य इसराइल के एक अरबी गांव कफर कासेम में गिरी। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस इलाके में हिजबुल्ला ने मिसाइल हमला किया है। इजरायली मीडिया ने माना कि लेबनान में रॉकेट हमला अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। इजरायली राजधानी तेल अबीब पर हुए इस रॉकेट हमले में कई इजरायली लोग बुरी तरह घायल हुए। हिजबुल्ला ने पहले कहा था कि उसने उत्तरी इजरायल और लेबनान में घुसी इजरायली सेना पर हमला बोला था। अब प्रतिरोध गुटों ने दावा किया कि इजरायली सैनिकों की टुकड़ियों को स्टूला मेतुल्ला अबीबीम और रोश पीना बस्तियों में मार गिराया। प्रतिरोध ने फलाफ 2 रॉकेटों के साथ साथ रोश पीना की बस्ती के पास इजरायली बलों के जमावड़े के साथ डेवी बैरको को भी निशाना बनाया। समूह ने कहा कि उसने गाजा में फिलिस्तीन लोगों और लेबनान और उसके लोगों की रक्षा के लिए अभियान चलाया था। ये हमले लेबनान में इसराइल के आतंक और आक्रामकता से एक बड़े इजाफे के बीच हुए हैं। ऐसा दावा है कि इसराइल पर 4 मिसाइलें हमले किए गए। बताया जा रहा है कि ताज़ा हमला पिछले हफ्ते हिजबुल्ला की ओर से मोसाद मुख्यालय को निशाना बनाए जाने के बाद हुआ है। हिजबुल्ला ने पूरे इसराइल में लक्ष्य और रॉकेटों की बौछार की है, साथ ही सीमावर्ती गांवों पर तोपखाने की गोलीबारी की गई है। लेबनानी सरकार के आंकड़ों की माने तो अक्टूबर 2023 की शुरुआत में लेबनान में इसराइली हवाई हमले में मरने वालों की संख्या 1800 तक पहुँच गई है, जबकि लगभग 8500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इजरायली ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन की बौछार की है।